नमस्कार, अनामिका के किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ आटे की टिक्की। जी हाँ, आटे की टिक्की जो बहुत ही क्रिस्पी बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। चलिए बनाना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ मैंने एक कप आटा ले लिया है, तो आज मैं एक कप आटे से ही बहुत सारी टिक्की बनाऊँगी। अब मैंने आटे में नमक ऐड कर दिया है, ये अजवाइन है, इसे भी क्रश करके मैं ऐड कर दूंगी, तो इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। 2 चम्मच मैं इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दूंगी। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैं हाथ से मिला लूंगी। तो सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद हाथ से ही आप मिलाएं। तो ये देखिए, सारी चीज़ें अच्छे से इसमें मिल चुकी हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और डो तैयार कर लूँगी। डो बहुत सॉफ्ट या बहुत सख्त नहीं होना चाहिए। जैसे हम रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, बस वैसे ही डो तैयार करना है। डो तैयार हो गया है, इसे ढक के रख देती हूँ, तब तक आगे की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ 2 आलू ले लिया है, आलू को अच्छे से मैश कर दिया है। आलू मैश करते समय इस चीज़ का ख्याल रखें कि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। अब मैं सौंफ ऐड कर देती हूँ, लाल मिर्च है, नमक है, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड करें, जीरा है, आधा नींबू का रस है, पाव भाजी मसाला है, हरी मिर्च है और 1 मीडियम साइज़ का प्याज है। सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने इसमें मिला लिया है। स्टफिंग मेरी अच्छे से बनके तैयार हो गई है। अब मैं घोल तैयार कर लेती हूँ। यहाँ थोड़ा सा आटा और मैंने लिया है, नमक ऐड कर दिया है और इसमें ऐड कर दिया है अजवाइन। थोड़ा सा पानी डाल के घोल मैं तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए, घोल भी मेरा अच्छे से तैयार हो गया है। थोड़ा सा पानी और मैं ऐड कर देती हूँ, घोल भी गाढ़ा है। तो ये देखिए, घोल परफेक्ट बन के तैयार हो चुका है। इसे भी मैं साइड में रख देती हूँ। अब मैं आटे को अच्छे से मसल लेती हूँ और इसकी लोई लेके इसकी मैं सीट तैयार कर लूँगी। तो आप आटे की सीट तैयार करते समय इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि इसकी जो सीट है वो बहुत पतली या बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए। यानी जो आप इसकी रोटी बनाएंगे ये बहुत पतली या बहुत मोटी ना बनाएं। इसे बनाने में समय बिल्कुल भी नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी बन के ये तैयार हो जाता है और बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ मैं ये नाश्ता केवल आज आटे से बनाऊंगी। तो यहाँ सीट देखिए तैयार हो चुकी है। अब मैं इस पर जो आलू की स्टफिंग है इसको अच्छे से मैं फैला दूंगी। ये देखिए, चारों तरफ मैंने अच्छे से इसे फैला दिया है। तो स्टफिंग को इसी तरह रोटी पे फैला देना है और इस तरह से किनारे के साइड को मोड़ते हुए एक रोल तैयार कर लेना है। तो रोल बड़े आराम से तैयार हो जाता है, बहुत ही आराम से रोल बन जाता है। तो यहाँ देखिए, रोल बना के और थोड़ा सा रोल को इस तरह से आप घुमा दें। अब मैं चाकू से इसे कट कर लेती हूँ। इसके पीस आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कट कर सकते हैं। यहाँ मैंने छोटे छोटे पीस को ही कट किया है। ये देखिए, अब इसके पीस को लेके हाथ में इस तरह से दबा देना है। ये देखिए, थोड़ा सा साइड से इस तरह से घुमा के और इस तरह से इसे दबा देना है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये टिक्की। ये देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है, खाने में ये उतना ही टेस्टी लगेगा। एक बार ट्राई आप ज़रूर करिएगा। अगर आप कचौड़ी, समोसा, इन सब चीज़ों के शौकीन हैं, एक बार ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो इस तरह से आप हाथ में लेके और टिक्की को इस तरह से आप दबाला, आपने देखा कि कितना फटाफट मैंने इसे तैयार कर लिया है। सारे टिक्की को मैं प्लेट में लेके अब मैं चलूँगी गैस के पास तलने के लिए। यहाँ गैस पे मैंने कढ़ाई में तेल पहले से डाल दिया था और इस तरह से आप टिक्की को जो घोल आटे का तैयार किया है टिक्की में लगा देना है और उसके बाद से कढ़ाई में इसे डाल देना है।
गैस की फ्लेम को लो या हाई पे नहीं रखना है, गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रहेगा। तो यहाँ देखिए टिक्की को मैंने डाल दिया है, थोड़ी देर रुकने के बाद ही आप इसे पलटें, तुरंत ना पलटें। तो इस तरह से चारों तरफ मैं टिक्की को अच्छे से घुमा दूंगी। घुमाने के बाद अब मैं इसे पलट लेती हूँ। तो इस तरह से आप टिक्की को घुमाते हुए इसे तला और इस तरह से उलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक इसे सेकें। गैस की फ्लेम मीडियम होगी तभी ये कुरकुरा होगा। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है, टिक्की मेरी अच्छे से तल चुकी है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो देखा कि तलने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा, फटाफट टिक्की तैयार हो गई है। तो ये देखिए टिक्की कितनी प्यारी लग रही देखने में, आप देख सकते हैं। तोड़ के दिखा देती हूँ। वीडियो देखने के बाद ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।